नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकसर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि 21-22 को हम सबका एग्जाम है जो कि अपने ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों, जाने के पहले मैं आपके लिए लेके आया 130 प्लस एमसीक्यू जो मोस्ट इंपोर्टेंट हर बार एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों, इसे लगाकर जरूर जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला, बहुत ही पावरफुल सेशन होगा। क्योंकि साथियों, क्वेश्चन इसी टाइप के लाइव में इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो हर बार एग्जाम में आते हैं और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है यार। तो आप सबको पता होगा कि 75 नंबर टेक्निकल का है, सबको पता है, ठीक है। तो साथियों, टाइम बहुत कम है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते आज का सेशन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि साथियों, यूट्यूब के चक्कर में मैंने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, क्योंकि आप सबको बता दूं यार, कंटेंट बहुत इसमें डालना पड़ता है तो हमको टाइम ही नहीं मिल पाता, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते, ठीक है। तो देख पा रहे मेरे डियर फ्रेंड क्या बोलना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन तो पीडीएफ मां से प्रस्तुत करिए, अपना पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखिए साथियों, कि शून्य लोड पर, माय डियर फ्रेंड आप देख पा रहे हैं इसमें शून्य लोड रनिंग अवस्था में प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच में के कोण को क्या बोला जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, देखिए कि शून्य लोड रनिंग अवस्था में प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है। शून्य लोड है ना, तो वहां पे क्या होगा साथियों, वह क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आप देख पा रहे हैं साथियों कि तरंग दैर्ध्य को प्राय किसमें मापा जाता है। तो आप सबको पता होगा जो तरंग दैर्ध्य है उसको किसमें मापा जाता है, इसका आंसर एंगस्ट्रम। आप सबको पता होगा तरंग दैर्ध्य को किसमें मापा जाता है, प्राय साथियों एंगस्ट्रम में मापा जाता है। आगे देखिए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन, इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम क्या कहलाता है। तो साथियों, आप सबको पता होगा इसके दो नियम थे, इनवर्स क्या लिखा है दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ यहाँ पे देख पा रहे आप, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है और दूसरा आपको पता लैम्बर्ट कोज़्या साइन का नियम होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो अभी आंसर आएगा 144 का आंसर आएगा लैम्बर्ट को शाइन का नियम, क्योंकि इन्होंने दूसरा नियम पूछा है हमें, ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस भरी होती है, कौन सी होती है भैया। फिलामेंट लैंप में गैस आप सबको पता होना चाहिए, तो वह होती है नाइट्रोजन एंड आर्गन भरी हुई होती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, धात्विक सतहों पर क्रोमियम प्लेटिंग क्यों की जाती है। माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है। तो यह भैया कि धात्विक संक्षारणों से बचाने के लिए, चमक प्रदान करने के लिए, तो हार्ड कोटिंग करने के लिए। तो साथ ही उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे कि घरेलू रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पे कार्य करता है साथियों। तो आप सबको पता होगा वाष्प कंप्रेशर संपीड़न जिसको बोला जाता है उसके सिद्धांत पे यह कार्य करता है। 147 का आंसर आ रहा है बी, ठीक है माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा। आगे देखिएगा 148 क्या बोलना चाह रहा है, वाटर कूलर के विभिन्न प्रकार है कौन से होते हैं साथियों, बताइए जरा। तात्कालिक प्रकार का, संचयन प्रकार का, तो बोतल प्रकार का। तो यह सभी के सभी इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, इसलिए 148 का आंसर आ रहा है डी, ठीक है। आगे देखिएगा 149 क्या बोलना चाह रहा है, आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन, डेस्कटॉप बता रहा है। देखिए कि निकल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है, तो वह शुद्ध निकल का बना हुआ होता है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन बोल रहा है 150 मतलब कि 150 नंबर का कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर कौन सा होता है, तो वह होता है साथियों ऑयल कैपेसिटर होता है, पेपर स्पीड ऑयल कैपेसिटर टाइप का होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। कौन सा होता है साथियों, पेपर स्पीड आयल प्रकार का होता है, तथा जो कैपेसिटर होता है उसको संधारित्र कंडेंसर भी बोला जाता है, उसकी इकाई क्या होती है, फैरड होती है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो पूरा देखिएगा साथियों। मोल्डेड पोल प्रकार की मोटरों की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है ना, तो कैसे उल्टी जा सकती है, पूछना चाह रहा है। तो 151 का आंसर आ रहा है सी नंबर का। आप देखिए, रोटर की स्थिति को बदलकर हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, जो मोल्डेड पोल प्रकार की मोटरों की घूर्णन की दिशा उल्टी जा सकती है, रोटर की स्थिति को उलट कर मतलब कि बदल कर, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक सेडेड पोल मोटर है ना, सेडेड पोल टाइप मोटर में घूमने वाला क्षेत्र किसके प्रकार प्रयोग से उत्पन्न होता है, क्या होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो वह आंसर है साथियों, आप सबको पता होना चाहिए, शेडिंग रिंग के कारण होता है, ठीक है।
शेडिंग रिंग इसका आंसर है तथा यह एक ऐसी मोटर है जो सेडेट पुल मोटर होती है, साथ ही उसकी दक्षता बहुत कम होती है। इसका यूज़ खिलौनों में किया जाता है तथा इसकी जो दिशा है वह अगर एक बार फिक्स करने के बाद में इसकी दिशा को नहीं चेंज किया जा सकता, मतलब इसकी दिशा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता तथा इसकी 25 से 30 वाट्स एनर्जी होती है, साथ ही उसकी जो इफिशिएंसी दक्षता होती है 25 से 30% तक होती है। ठीक है, यह पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए आगे, घूमने वाले फ्लक्स के कारण स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम किस पर निर्भर करेगा? तो साथियों बताइए यार किस पर निर्भर करेगा। 153 का आंसर आ रहा है, वह क्या करेगा, ऐसी उत्तेजन धारा पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, मतलब कि जो घूमने वाला फ्लक्स है स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम एसी के उत्तेजन मतलब एक्साइटेशन है ना, एक्साइटेशन होता है, मतलब एसी उत्तेजक धारा पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, 154 नंबर का आंसर, एसिड बाथ में जाप पर जमा हुआ तांबे की परत होती है, जो 154 नंबर का वो होता है, क्या होता है, मोटी और रुन होती है। ठीक, आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना 155 नंबर का, कि आपूर्ति प्रणाली की किन्हीं दो प्रावधानों के बीच के वोल्टेज को क्या कहा जाता है। 155 नंबर क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है इसका लाइन वोल्टेज बोला जाता है। आगे देखिएगा 156 नंबर क्या बोलना चाह रहा है, कि निम्न में से कौन फीडर वोल्टेज को नियंत्रित करता है और आवश्यकता होने पर बढ़ाता है। तो साथियों कौन होगा बताइए, साथियों आप सबको पता होगा 156 में आंसर आ रहा है सी, उसको बोलते हैं बूस्टर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न में से कौन फीडर वोल्टेज को नियंत्रित और आवश्यकता होने पर क्या करता है, बढ़ाता है, तो वह क्या आ जाएगा, बूस्टर आ जाएगा। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, दो निकटवर्ती ध्रुवों के बीच तारों का नमन कहलाता है, 157 क्या बोल रहा है साथियों, आप देख पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है इसमें, आप देख पा रहे हैं साथियों, अवनमन कहलाता है, जो 157 है ना, अवनमन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युत संस्थापन का रोधन प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 158 आपको पता है, हजारों बार लाखों बार यह क्वेश्चन पूछा गया साथियों, तो इसका आंसर है 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लाखों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है अपना कि घरेलू रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, तो इसका आंसर होता है, देखिए आपको पता होगा 159 का आंसर आ रहा है साथियों डी, मतलब कि उपरोक्त दोनों क्या हो जाएगा, 6 देखिए उपरोक्त दोनों आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर देख पा रहे साथियों, ऊपर में जो दोनों के दोनों है वो दोनों आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, उपयुक्त दोनों आ रहा, मतलब कि क्षय रहित एवं निरावेशी व गंधहीन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि घरेलू रेफ्रिजरेटरों का कंडेंसर लगा हुआ होता है, तो साथियों बताइए कहाँ लगा होता है, वह होता है रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 161 नंबर पर आते हैं हम, तो देख पा रहे साथियों, छाया देती है, तो दोस्तों ये जो छाया है ये आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथियों, ये होना चाहिए अपनी जो वेल्डिंग होती है तो उससे क्या होता है, आँखों को थकान होती है, आप सबको पता होगा जो वेल्डिंग्स की जाती है उसमें ना, तो इसका आंसर है आँखों को थकान। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, 162 नंबर का क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वो पूरा मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि यदि यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा महत्वपूर्ण कारक हो तो वहाँ पर हम किस प्रकार की वायरिंग का यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड। अब ऑप्शन जैसे कि यहां पे दिया है, एक सीसा दिया हुआ है, एक CTS दिया है, क्रेप ट्राई सेथर्ड, ये इसको अधिकतर हम सब मतलब काम यूज करते हैं, जहां नमी मतलब यह जो केबल होती है दोस्तों, केवल नमी को नमी रोधक होती है, जो CTS का यहाँ पे दिया हुआ है ना, CTS क्रेप ट्राई सेथर्ड बोलते हैं, यह केवल नमी रोधक होती है, और जो सीसा के बैठाया हुआ बोलते हैं, मतलब उसमें लेड होता है वहाँ पे। अब तीसरा ऑप्शन दिया साथियों, नाली प्रकार का, तो अपने को देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा, तो इसका आंसर आ रहा है साथियों नाली प्रकार का। ऐसा क्यों, नाली मतलब ये होता है कंड्यूट वायरिंग होना चाहिए इसके हिसाब से, तो क्योंकि नाली प्रकार की तो कोई वायरिंग होती नहीं साथियों, फिर होती है कंड्यूट वायरिंग, जो क्या होता है दीवारों के अंदर, तो वो यांत्रिक रूप से भी मजबूत होती है और अग्नि से भी सुरक्षित होती है, तो इसलिए इसका आंसर आ रहा है सी। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है,
कि जो एक यूनिजेक्शन ट्रांजिस्टर को कार्य करना होता है तो वह क्या करता है साथियों, फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहे 164 नंबर का, कि मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। भैया क्यों किया जाता है मेगर का इस्तेमाल, आप सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लोंडे हो, आप सबको पता ही होगा इसका आंसर, तो बताइए साथियों। तो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है ए और बी दोनों, मतलब कि किसी परिपथ में कुचालक प्रतिरोध की जांच। सही बात है, आई आर वैल्यू मतलब जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसको ओम मीटर मेज करता है, मतलब कि मेजर करता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए मेगा ओम में प्रतिरोध मापने के लिए, ठीक है, हाई उच्च प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, पता होगा आपको। आगे देखिएगा किसी ट्रांसफार्मर में पारस्परिक फ्लक्स संबंधित होता है, तो भैया आप सबको पता है जो ट्रांसफार्मर पारस्परिक फ्लक्स के सिद्धांत पे म्यूचुअल इंडक्शन के, अन्योन्य प्रेरण के, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, इन सब के सिद्धांत पे कार्य करता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो 165 का जो आंसर आ रहा है वह हो रहा है दोनों, क्योंकि ट्रांसफार्मर भैया दो कुंडली होती है, उसमें एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, इंडक्शन के कारण में उसमें क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इनमें इलेक्ट्रिकली कोई से कहीं तक भी कनेक्टेड नहीं रहता, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब कि बीच में कहीं से कहीं तक वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे देखिए दोनों कुंडलियों में होता है, क्या होता है, पारस्परिक फ्लक्स संबंध होता है। ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। और साथियों आपको ट्रांसफार्मर का देखना है एलवी कैसा है, एचवी कैसा है, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, अंदर की कोर कैसे निकलती है, ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन, ट्रांसफार्मर का तेल, हर चीज साथियों पूरा का पूरा इसका ऑपरेशन, 200 केवी का ट्रांसफार्मर, 25 केवी का ट्रांसफार्मर, 100 केवी का ट्रांसफार्मर, पूरा का पूरा हमने खोल के इसमें बताया हुआ, यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों बताए साथियों। देखिएगा आप उसको मेरे चैनल पे, उसी भी देखना है, मतलब कि प्लेलिस्ट में जाना ट्रांसफार्मर, उसमें साथियों आपको विथ पूरा एक्सप्लेनेशन मतलब कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा, तो देखिएगा बहुत एंजॉय करिएगा, मुझे पता है वीडियो को देखना बहुत अच्छा वीडियो है साथ। देखिए आ गया कि विद्युत कार के लिए कितनी लंबी टेनेंसा जो होती है ना, आरी हम बोलते हैं जनरली भाषा में, तो 166 नंबर का क्वेश्चन है, 30 से 40 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन साथियों एक दो क्वेश्चन ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, फिटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना अपने इलेक्ट्रिकल वाले लोंडों में वाले एग्जाम में, तो 30 से 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा कार्य की क्या होती, कार्य की इकाई क्या होती, जूल होती, सबको पता है, और एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर होता है, यह भी सबको पता है। ठीक है, तथा बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती, यह भी सबको पता है। तो ठीक है, 167 में बी आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, संधारित्रों की कुल धारिता बढ़ जाती है जब उन्हें किस क्रम में जोड़ दिया जाए, तो साथियों जो रेजिस्टेंस होता है उसका अपोजिट यहां पे क्या होएगा, अपोजिट का मतलब जो रेजिस्टेंस में फार्मूला होता है उनके जो सीरीज समांतर के फार्मूले होते हैं उसके अपोजिट में यहां पे जो संधारित्र है ना उसके फार्मूले होते हैं। तो सपोज दैट देखिए इसका जो समांतर क्रम इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होगा, संधारित्र बढ़ जाता है, मतलब कि कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि संधारित्र में जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है Ct बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस के C2 प्लस के C3। ठीक है, समांतर में 1/C1 वो बाय में चलेगा। ठीक है, मतलब ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, समांतर क्रम आ जाएगा 168 का। ठीक है, आपने देख लिया इसका आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से, क्वेश्चन क्या किधर भग रहा भैया, अभी तू इधर ही रहे यार, निम्न में से किसका सर्वाधिक परावैद्युत नियतांक होता है, तो साथियों बताइए वह होता आवासित मतलब आश्रित जल जिसको हम डिस्टिल वाटर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसका परावैद्युत नियतांक होता है सर्वाधिक होता है, जिसको क्या बोलते हैं डिस्टिल वाटर, जो क्या होता है कुचालक की तरह कार्य करता है, आपको पता होगा। तो ठीक है साथियों 169 में आ रहा है डी, आगे देखिएगा 170 170 में क्या आ रहा है, 170 में आ रहा है कृत्रिम श्वास क्रिया कैसे की जाती है, तो इसका देखिए सिल्वेट मेथड, सेपर विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना, तो ये उपयुक्त सभी क्रियाएं होती है, आप सबको पता होगा। बाकी जो इस पीडीएफ ने इसका आंसर किया साथियों सिल्वेस्टर मेथड किया, तो आप बताइएगा इसका कंफर्म आंसर क्या आएगा, मेरे हिसाब से सर आती है इसका आंसर आ रहा है उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों के तीनों मेथड तो पता है ना आपको, कृत्रिम श्वसन मेथड होती है, सिल्वेस्टर भी होती है, सेपर भी होती है, क्योंकि इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में पूछा है कि कृत्रिम श्वास क्रिया कैसे दी जाती है। ठीक है, तो इसका हिसाब से ये जो आंसर है उपयोग सभी आना चाहिए। ठीक है, उपयोग सभी क्रियाएं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जनरेटर का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, ध्रुवों की संख्या पर करता है, प्रति, देखिए इसका एक समीकरण होता है, मैं उसे लिख देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे, इतने समझदार लोग आप, पता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, ई बराबर क्या होता है जनरेटर डी एम, क्या होता है इसमें P5ZN अपॉन के 60 है। ठीक है, ठीक है, ये पता होगा आपको,
तो इसमें साथियों जो आंसर है 171 का आप सबको पता होना चाहिए, डी आंसर आ रहा है, उपयुक्त तीनों पे आएगा क्योंकि चालकों की संख्या जेड भी आ जाए, ये सब आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 172 नंबर का क्वेश्चन है कि आपूर्ति धारा में कितना प्रतिशत आवृत्ति परिवर्तन उचित है। तो साथी वो होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी का बोला है, तो टॉलरेंस कितना होता है, प्लस माइनस 3% होता है। ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस 3% होता है। और अपने भारत की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, सबको पता है यार। आगे देखिएगा 172 पे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अच्छा इल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश क्या होगा एक्समान और क्या होगा, यहाँ साथियों पर्याप्त आना चाहिए, अपर्याप्त रहेगा तो नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा इल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश क्या होगा एक समान और पर्याप्त होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 40 वाट की ट्यूब की लंबाई कितनी होती है माय डियर फ्रेंड, 120 सेंटीमीटर बोलो या फिर क्या बोलो 1.2 मीटर बोल दो। ठीक है, आगे देखिएगा इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 500 कैंडल पावर का एक लैंप भूमि तल से 5 मीटर ऊपर टंगा है, तो लैंप के बिल्कुल नीचे इल्यूमिनेशन होगा। साथ ही जो बिल्कुल लिखा है घुमाने के लिए लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि उसके वहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा साथी आपको बता देना चाहो बनेगा कैसे। देखिए आपको पता होगा प्रदीप्ति बराबर क्या होता है, आई अपान के डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैंडल पावर क्या दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, अपन क्या आ जाएगा, कितने दूरी दिए 5 मीटर की दूरी, डी क्या है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 इसको काटेंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा, कितना आ गया 20 इसका लक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा साथ ही उसका आंसर 20 आ रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि सोडियम लैंप किस वाटेज में बनाया जाता है। तो दोस्तों उसका 45 भी आता है, 65 भी आता है, 80 मतलब ऐसा दिया हुआ, लेकिन इन्होंने पीडीएफ के अनुसार इसका आंसर माना है 45 माना हुआ है। ठीक है, बाकी इसका आंसर 45 60 80 तक दिया हुआ है कहीं के एग्जाम इसमें एक बुकों में। ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने परफेक्ट माना हुआ है, 45 45 माना हुआ है। ठीक है, 176 का जो आंसर है बी माना हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि SCR क्या, SCR क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, एक आपको पता होगा ये DC प्रदान करता है, मतलब AC से DC बनाता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें इसका आंसर यह है एक प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, SCR 170 का डी इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा 178 क्या बोलना चाह रहा है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या बोलना चाह रहा है, देखिए कि यदि उच्च गति की मोटर की जगह निम्न गति की मोटर खरीदी जाती तो इसका मूल्य क्या होगा। तो निम्न गति की मोटर खरीदेंगे साथियों तो इसका मूल्य जो होना चाहिए कुछ कम होना चाहिए, लेकिन इसने आंसर किया दोस्तों अधिक होगा। ठीक है, बताइएगा आप अपने कमेंट में इसका आंसर क्या बताएंगे। तो ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निर्वात लैंप की तुलना में गैस भरे लैंप की दक्षता होती है, तो भैया क्या होती है, दुगनी होती है, तभी तो हमने उसमें गैस भरा है। अगर दुगनी मतलब अधिक नहीं होती तो हम उसी को चलाते हैं, लेकिन हमने क्या किया उसमें गैस भरा, तो उसकी जो क्या होती है दक्षता एफिशिएंसी क्या होगी, दुगनी होगी। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 200 sin 314 t की प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर एक लोड पर लगाई जाती है जिसका प्रतिरोध 20 ओम परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा अधिकतम धारा क्या हो जाएगी, तो 180 है ना, क्या इसका आंसर आती है 10 एम्पियर की यह धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 0.6 शक्ति गुणांक पश्चगामी पर एक एसी परिपथ का इनपुट कितना 10 kV है, तो परिपथ द्वारा ली गई शक्ति मतलब कि किलोवाट निकालना। तो आप सबको पता होगा साथियों कॉस फाई का एक फॉर्मूला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसी थ्योरी का क्या होता है, किलोवाट बराबर kW होता है, हाँ किलोवाट मतलब kW बटे के kVA होता है। ठीक है, तो देखिए अपने को क्या दिया है, पावर फैक्टर दिया हुआ है, kVA दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना, कॉस फाई निकालना है, तो कॉस फाई नहीं कॉस फाई दिया हुआ है, इसमें अपने को क्या निकालना साथियों, किलोवाट निकालना, जैसे मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, देखिए ये किलोवाट निकालना है, इसको जब निकालेंगे आप तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कि किधर तू इधर आ जा, किधर आ जा, देखिए तो किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा साथियों, कॉस फाई मतलब कि 0.6 हो जाएगा ना। ठीक है, इनटू का क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना था 10 kV था, तो 10 का इसमें इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना इसका एक जीरो यहाँ पे देखिए, तो ये 10 से 10 कर जाएगा, मतलब तो कितना बच जाएगा, आंसर क्या आ रहा है इसका 6, इसका आंसर आ जाएगा 181 का, कितना आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक, आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर हजारों बार एग्जाम में आए हुए। ठीक, स्थायी चुंबक किन आवृत्तियों में बनाए जाते हैं, तो देखिए छड़ चुंबक भी होता है, बेलनाकार भी होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है, देखते हैं आगे इसका और क्या क्या बोलना चाह रहा है। हे 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 हे, हाँ घोड़े की नाल मतलब ये उपयुक्त सभी आ जाएगा उसमें। ठीक, हवा तथा निर्वात के लिए चुंबकनशीलता का मान क्या होगा, इकाई होता है, सबको पता होना चाहिए। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए, आँख मुन के मत देखना, देखना अच्छे से देखना, क्या बोलना चाह रहा है, डीसी जनरेटर जब 1500 आरपीएम
पर चलता है, ठीक है, 50 हर्ट्ज की। तो ये दोनों जब आपको मिल जाए और विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा तो कोई निकालना क्या है साथियों अपने को, इसमें देखिए डीसी जनरेटर जब 1500 आरपीएम पर चलता है तो 50 हर्ट्ज पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो जनरेटर की क्या क्या पोल निकालना है, सबके ऑप्शन का में दिए, ध्रुवों में दिए। तो आप सबको पता होगा ना, जब आपकी 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 1500 आरपीएम की स्पीड है, तो आपका जो पोल आएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। बाकी निकालना है तो निकाल लो यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसका क्या हो जाएगा, आयन बराबर क्या हो जाएगा, 120 F/P हो जाएगा। हमको क्या निकालना, पी को इधर ट्रांसफर कर देना है, तो 50 अपन के एन कितना साथियों, 1500 है ना यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो जब कटपिट करना तो सब आपका देखिए 120 गुणित के 50 था ये, है ना, और ये कितना आ जाएगा, 1500 था, ठीक है। तो ये इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप कटपिट करना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 पोल आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान किस से ज्ञात किया जा सकता है। इन्होंने कुल मिला के हमको औसत मान पूछा है, और आप सबको पता है औसत मान का मान कितना होता है, 0.607 होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जो अपना 185 उसका आंसर क्या आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है ट्रांजिस्टर का परीक्षण कैसे करेंगे। तो भैया ट्रांजिस्टर टेस्टर से लगा देना, उसमें तो उसका परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, एम्पियर क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, हेनरी क्या है, इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, हेनरी, देखिए हेनरी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है दोस्तों, तो 1 वोल्ट / 1 कूलम होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ओम क्या भी है, प्रतिरोध की इकाई है, सबको पता है, बच्चे को पता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक्स जी बराबर चालकत्व और आर बराबर प्रतिरोध हो तो दोनों के बीच के संबंध को किसके द्वारा दर्शाया व्यक्त किया जा सकता है, तो जी बराबर 1/R भी होता है, फिर I/R लिख दिया इन्होंने, तो ये इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो I बराबर देखिए, ठीक है, इसमें दोनों का इंटू हो जाएगा, और R बराबर ये मतलब उपयुक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि 10-10 ओम प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, भैया 5 हो जाएगा, क्योंकि समांतर में जोड़ा है, रेजिस्टेंस में क्या होता है जब समान मान के दो प्रतिरोध, तो देखिए जितने मान का प्रतिरोध लगा वो कितना आ जाएगा, वो तो 10 लगा हुआ 10 आ जाएगा, बट जितने भी प्रतिरोध देंगे कितना आएंगे, 2 × 2 = 10 आ जाएगा, इसका 2 × 5 = 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि यदि किसी बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता 72 हो तो 3 एम्पियर चार्जिंग दर पर उसे पूर्ण चार्ज करने में कितना समय लगेगा, हमें क्या निकालना, टी दक्षता, देखिए दक्षता बराबर क्या में होती है, एम्पियर घंटे में होती है, तो हमें क्या निकालना, घंटा निकालना, तो टी बराबर क्या हो जाएगा साथियों बताइए ज़रा, देखिए एफिशिएंसी अपन के क्या हो जाएगा, एम्पियर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए दक्षता कितनी दी हुई है, 72 दी हुई है, तो 72 / कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 3 = 6 कितना बच गया, 12, 3 × 3 = 12 कितना आ गया साथियों, 24 इसका आंसर आ गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो वह डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है, 191 का आंसर आप देख पा रहे हैं, ये आ रहा है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आ रहा है अपने एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, भैया एडिशन सेल इज सेकेंडरी सेल होता है, आप सबको पता होना चाहिए, तो वह आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते KOH, ठीक है, पता हो गया होगा आपको भैया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 192 तो हो गया इसका, 20 का आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देख पा रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे कि स्थिर विद्युत उपकरण का इस्तेमाल विशेषकर किसे मापने के लिए किया जाता है, अब भैया इन्होंने किसका बोला स्थिर विद्युत उपकरण, तो 193 क्या बोलना चाह रहा है, पीडीएफ मां से बताइए इसका आंसर, तो यह उच्च वोल्टेज को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, स्थिर विद्युत उपकरण का इस्तेमाल विशेषकर किसको मापने के लिए किया जाता है, उच्च मान के वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। आगे देखिए 1 फैराड बराबर, अभी नीचे में 1 कूलम का मैंने 1 हेनरी का बताया था, अब आगे अभी यह 1 फैराड मतलब XC बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आता दोस्तों 1 कूलम / 1 वोल्ट हो जाएगा, इसका एक कैपेसिटेंस बराबर होता है, मतलब C/Q/V होता है, तो 194 उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये देख पा रहे हैं आप, इसका पहला ही आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किसी धारिता द्वारा पूर्ण आवेश का कितना, किसी धारिता द्वारा पूर्ण आवेश का कितना प्राप्त करने में लगे समय को समय का नियतांक कहा जाता है, तो साथियों 195 इसका आंसर आ रहा है,
इसका आंसर आ रहा है 66.3% आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि सूक्ष्म समंजक पेडर किसका उदाहरण है। जो सूक्ष्म समंजक पेडर होता है, इन्होंने ऐसा लिख के दिया है साथियों, इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं, तो देखिए क्योंकि इसका आंसर देखिए आ रहा है समजनी संधारित्र, इसका आंसर दिया साथियों समजनी संधारित्र बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए 197 क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन आपके डेस्कटॉप पे कि निम्न में से क्या बोलना चाह रहा है साथियों, निम्न में से किस संधारित्र का उपयोग रेडियोग्राही में आवृत्ति स्थापना के लिए किया जाता है। तो साथियों इसका जो आंसर है 197 में आ रहा है सुसमंजक और पेडर, मतलब कि दोनों क्या है दोस्तों, ये कैपेसिटर के प्रकार है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आ रहा है ए और बी दोनों के दोनों आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा वाट घंटा दक्षता हमेशा, तो दोस्तों आपको पता है जो सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी बैटरी होती है, उनकी वाट घंटा एंड एम्पियर घंटा दो की दोनों की दोनों दक्षता होती है। तो वाट घंटा कितनी होती जाती है, आप सबको पता होगा 72 से 80% तक होती है, और जो अपना एम्पियर हावर कितना होता है 90 से 95% तक होती है। तो कौन कम है भैया, वाट घंटा क्या है, एम्पियर घंटा दक्षता से कम होती है। तो ठीक है, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा 198 का, वाट घंटा क्या है एम्पियर घंटा से क्या होती है, कम होती है, आपके सामने लिख के दिखा दिया हूँ मैंने। आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणक क्या होगा। अब इन्होंने किसकी बात किया साथियों, शुद्ध पेवर कैपेसिटिव में क्या होता है, शून्य होता है। आपको बोलेगा शुद्ध इंडक्टिव मतलब एक्सल में भी पूछेगा तो वो भी क्या हो जाए जीरो। अब बोलेगा शुद्ध रजिस्टिव में बोलेगा तो उसमें क्या आ जाएगा इकाई, मतलब होता है यूनिटी। ठीक है, तो माई डियर फ्रेंड इसका आंसर आ रहा है शून्य आ रहा है, 199 का ये आ रहा है। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर, मतलब कि मीटर कौन सा होगा, बताइए साथियों। आप सबको पता होगा 200 में क्या आ रहा है KWH, मतलब किलोवाट घंटा मीटर, आप सबको पता है इंटीग्रेटेड मीटर है, KWH मीटर बोलते हैं इसको। आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन इल्यूमिनेशन का, सोडियम वाष्प लैंप पूरी चमक देता है, कब देगा भैया, जब उसको 10 से 15 मिनट का वह समय लेता है, उसके बाद क्या होता है वह पूरी की पूरी चमक देता है, और वो स्टार्ट पूरा स्टार्ट मतलब जलने के बाद में क्या होता है वह पीला कलर का प्रकाश देता है, जो MPTO 2016 का एग्जाम हुआ था साथियों उन्होंने वहाँ पर पूछा था। ठीक है, लेकिन अगर पूछता है कोई स्टार्टिंग में वह गुलाबी हल्का गुलाबी और लाल का प्रकाश देता है, जब हल्का जब स्टार्टिंग में रहता है तब। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रही PDF की निर्वात लैंप की तुलना में गैस भरे लैंप की दक्षता क्या होती है, दुगनी होती है, रिपीट हो गया क्वेश्चन एक बार आ चुका ये। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि प्रकाश का एक समान वितरण किस पर निर्भर करता है, स्थान ऊंचाई अनुपात प्रयुक्त लैंपों के प्रकार। तो देखिए साथियों इसका जो आंसर है अपना 203 का आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है 203 में आ रहा है ए नंबर का, मतलब कि स्थान की ऊंचाई के अनुपात पर यह क्या करता है निर्भर करता है। ठीक है, यह इसका आंसर है किसका, प्रकाश का एक समान वितरण स्थान ऊंचाई अनुपात पर निर्भर करता है, 203 का आंसर ए है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मूविंग आयरन यंत्रों का पैमाना होता है, जो मूविंग आयरन होते हैं साथियों उनका जो पैमाना होता है वह क्या होता है माय डियर फ्रेंड, 204 में आ रहा है ऐठा हुआ, मतलब कि बी होता है। ठीक है, बी मतलब बी ऑप्शन का नाम है। आगे देखिएगा कि थ्री फेस प्रेरण मतलब इंडक्शन मोटर की घूर्णी चुंबकीय अभिभावक की चाल क्या होती है। तो साथियों आप सबको पता होगा जो स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 120 f/kp होता है, तो ये भी इंडक्शन मोटर में भी यही लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है 120 f/kp हो जाएगा। आगे देखिए साथियों कि किसी पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर में आंतरिक होता है किस, क्या लिखा है, किसी पिंजरा इंडक्शन मोटर में आरंभिक धारा, धारा पूछा साथियों, सॉरी मैंने आंतरिक बोल दिया था, आरंभिक धारा क्या होती है। तो साथियों बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करोड़ों बार पूछा है, क्योंकि तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था साथियों, तब से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है साथियों 80, 90, 70 जो भी पेपर देखा मैंने उनमें सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी भी जो 2013, 12, 15, 17, 18 सब में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है साथियों पूर्ण भार धारा के 5 से 7 गुना ले लेती है, इसीलिए तो हम स्टार्टर लगाते हैं ताकि हमारी वाइंडिंग्स ना जल पाए। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 206 का डी आंसर आ रहा है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा, 207 देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है।
कि पश्चगामी कुंडलन आर्मेचर पर किस दिशा में आगे बढ़ता है, तो साथियों बताइए यार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो 207 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है बी, वामावर्त में बढ़ेगा, क्योंकि वह क्या हो रहा है, बैक बैक मतलब अब काउंटर बोले तो पीछे पश्चगामी है ना, इसलिए ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 208 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राय उपभोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर किसके लिए होते हैं, तो डायनेमोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर, इंडक्शन प्रकार, तो अचल कुंडली। तो साथियों बहुत अच्छा इसका आंसर है, इसका आंसर है यह, देखिए इन्होंने किसमें पूछा है आप देख पा रहे, प्राय उपभोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर, तो वह आएगा दोस्तों इंडक्शन प्रकार के, 200 वाट में क्या आ रहा है, सी इसका आंसर करेक्ट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक एचपी में कितने किलोवाट के तुल्य है, तो साथियों आप सबको पता होना चाहिए एक एचपी बराबर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ब्रिटिश बोलता है तो उसमें क्या आ जाएगा, 746 ब्रिटिश में होता है, और आपको बोलता है माय डियर फ्रेंड एक एचपी बराबर मीट्रिक में बोलता है तो 735 कितना होता है, 5 वाट होता है, आपको पता होगा ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो पूरे के पूरे ऑप्शन लिखे हुए हैं वो काय में लिखे हुए है, यहाँ पे मीट्रिक में लिखी हुई है, तो इसके हिसाब से जब आप इसमें 1000 का भाग दे देना क्योंकि हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों इसका जो आंसर आ रहा है डी इसका आंसर आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें आ जाएगा 0.7355 किलोवाट इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो साथियों आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं धारा को डीसी कहा जाता है, कौन सी धारा को जिसकी धारा माप समय के साथ क्या होती है, समान रहती है ना, बदलती नहीं ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बड़ी क्षमता जनरेटरों के लिए किसके ब्रशों का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों आप सबने देखा होगा जहाँ बड़ी क्षमता की मोटरें जनरेटर जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ पर ना हम क्या करते हैं कॉपर में तांबाकू मिला देते हैं, मतलब कि कॉपर का यूज़ करते हैं, यह भी आपको पता होगा 211 में जो आंसर आ रहा है साथियों आपका क्या आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, और जो छोटी जनित्र होते हैं उसमें कार्बन ब्रश होते हैं ये वाला जो से ये है ना ठीक है। बाकी अभी इन्होंने इसकी क्या बोला, बड़ी क्षमता जनरेटरों के लिए बोला है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कॉपर का यूज करेंगे। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किस प्रकार की मोटरों को एक समान चाल वाला मोटर कहा जाता है भैया, तो वह होती है अपनी कौन सी होगी भैया, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि इंडक्शन की डीसी, अब ये तो ऑप्शन के हिसाब से हमको ये समझ में आ रहा है कि इसने किसके लिए डीसी के लिए पूछा, तो वह कौन सी मोटर है नियत चाल वाली अपनी भैया, दिष्ट धारा संट मोटर है सबको पता है ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 मेरा क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 213 कि मूविंग कॉइल स्थायी चुंबक यंत्र पर प्रयोग किए जा सकते हैं, जब इन्होंने किसकी बात किया है भैया, एमसी की बात किया है, ओनली फॉर डीसी में यूज़ होता है, केवल डीसी में यूज़ होता है, 213 में इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आंसर आ जाएगा ठीक है। देखिए ओनली केवल डीसी में आ रहा है ठीक है, इसका आंसर ये केवल डीसी में आ रहा है ठीक है, अच्छे से देखिएगा कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकता होती है कहाँ होती है भैया, जहाँ पे हमें अभिलेख यंत्रावली, प्रचालन यंत्रावली, चल यंत्रावली सभी की सभी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, 214 में आ रहा है डी। आगे देखिए 215 में क्या बोलना चाह रहा है साथियों कि सिंक्रोनस मोटर किस पर चलती है, तो साथियों आपको पता होगा सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर है जो क्या होता है भैया, सेल्फ लिखूँ कि नहीं लिखूँ सर बता दीजिए, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, जो सिंक्रोनस मोटर है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसके हमें रोटर में तथा उसके स्टेटर में दोनों में सप्लाई देना होता है, तो भैया जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसके रोटर में भी सप्लाई देते हैं और स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो देखिए इसका आंसर आ रहा है एसी 3 फेज तथा सिंगल फेज सप्लाई दोनों, यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है सिंगल मतलब ऑप्शन के हिसाब से कि सिंक्रोनस मोटर किस पर चलती है, तो ऑप्शन यहाँ पे साथियों अब एक ही है कि केवल डीसी तो आएगा नहीं, एसी डीसी दोनों देते हैं आपको पता है, डीसी 3 फेज तथा सिंगल फेज, इसलिए इसको ऑप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, अभी एसी 3 फेज तथा सिंगल फेज सप्लाई दोनों ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने ना, बाकी यहाँ पे डीसी लिखना था साथ में ठीक है, तो क्लियर हो जाता है 215 में जो इसका आंसर है बी आ रहा है ठीक है। आगे देखिएगा मेरे साथियों क्या बोलना चाह रहा है कि आरंभ में किसी मोटर में ई बी मतलब होता है बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ पश्च विद्युत वाहक बल का परिणाम होता है, तो आरंभ में स्टार्टिंग में जो अपना बैक ईएमएफ होता है वह क्या होता है साथियों, शून्य होता है, इसी कारण क्या होता है जो हमारे
मतलब आर्मेचर्स होते हैं ना, जलने की संभावना रहती है, क्योंकि वहाँ पर आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है लेस देन वन वॉम होता है, मतलब कि एक से भी कम होता है ना, आपको पता होना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में उसको डायरेक्ट सप्लाई दे दे तो उसमें क्या होगा, करंट की मात्रा अधिक हो जाएगी, वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि बैक EMF जीरो है ना। तो ठीक है, पता होगा, बहुत समझदार लड़के हो। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि 500 वाट के एक इमर्सन हीटर को 15 मिनट के लिए चालू किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो जूल भैया थे, अपने जूल वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें एक नियम बताया था। क्या बताया था? हीट का नियम था, एच बराबर क्या होता है, आई का स्क्वायर इंटू के आर इंटू के टी होता है। अब देखिए मेरे भैया, 500 वाट यहाँ पे दे दिया तो पी बराबर क्या होता, आई का स्क्वायर इंटू के आर होता है, मतलब ये पी आ गया। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट दिया हुआ, हम इसको क्या कर देंगे, सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो इसका देखिए नियम ऐसा था, एच बराबर क्या होता है, आई का स्क्वायर इंटू के आर इंटू के टी होता है, अपन कितना आ जाएगा 4187 होता है, किलो कैलोरी में चेंज करते हैं इसको, है ना। तो लिखा जाता है यहाँ पे, आपको पता होगा। तो देखिए ये आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 इंटू कितना आ जाएगा, टी कितना है 15 इंटू कितना आ जाएगा, साथ ही 60 हो जाएगा मिनट में चेंज, सॉरी सेकंड में चेंज करने के, अपन कितना हो जाएगा 4187। जब आप इसका मल्टीपल गुना भाग करेंगे तो लोंडे स्मार्ट हो आप, तो जल्दी कर ही लेते हो। तो इसका जब आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 107.5 किलो कैलोरी आ जाएगा, करके देखिएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सप्लाई दी गई वोल्टेज होती है तो भैया कौन सी होती है, 218 में क्या आ रहा है बताइए साथियों। इसका आ रहा है सी आंसर, जैसे कि आपको पता होगा जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसके रोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं, और उसमें कौन सा यूज करते हैं, डीसी संट या फिर कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है। तो उसकी जो वोल्टेज होती है लगभग कितनी होती है, 100 से 250 वोल्ट होती है, यह ऐसा लिखा गया है और यही एक सत्य है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि फ्लोरोसेंट, भैया कौन सी लाइन आ गया, अरे यार कोई दूसरा कलर आ गया, ठीक है। देखिए कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होगा कि जो अपनी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना, आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा पहले ज़माने में, अभी भी आती है। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए एक ऐसा एक क्या बना था मेरा डियर फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ये तो यहाँ पे चोक लग जाता है, ये प्लस माइनस आ जाएगा। ये जो यहाँ पे देख पा रहा है, यह क्या स्टार्टर्स होता है, इसमें क्या होती है, हीलियम गैस भरी हुई होती है। क्यों लगाते हैं साथ ही, वो परिपथ को क्लोज करने के लिए लगाते हैं ना स्टार्टिंग के समय। तो मतलब ये क्या करता है, परिपथ को बंद करने के लिए, मतलब कि परिपथ को बंद मतलब चालू करता है, बंद का मतलब जो स्विच को चिपकाना होता है, ठीक है ना, ठीक है, समझ गया होगा आप, है ना, स्विच को चिपकाना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा परिपथ को बंद वाला बंद नहीं, जो कि बंद करना मतलब स्विच तोड़ने वाला बंद नहीं, साथ ही ये चिपकाने, क्लोज सर्किट में जो होता है, क्लोज सर्किट में बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, पता होगा आपको, तथा ओपन सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर है परिपथ को बंद करने के लिए, है ना, ठीक है। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 220 में क्या आ रहा है, दिष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इन्होंने किसकी बात की, दिष्ट धारा जनित्र, ये क्या करता है भैया, फ्लेमिंग के राइट हैंड के सिद्धांत पे कार्य करता है, और जो मोटर होती है वो क्या करती है भैया, लेफ्ट हैंड पे सिद्धांत पे कार्य करती है। अब ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर बताइए साथियों, क्या लगाना, आप जो बोलेंगे मैं लगा दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए वैसा तो दिया नहीं है, राइट लेफ्ट तो दिया नहीं, डायरेक्ट बोल दिया फेराडे का सिद्धांत, तो जो अपना डीसी जनरेटर होता है, साथ ही यह फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिससे क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस चुंबकीय बल का क्या, चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता है, जिस कारण क्या होता है साथ ही उसमें द्वाग बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर ये आ जाएगा, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फेराडे के सिद्धांत पर आ जाएगा, ठीक है। जैसा ऑप्शन दिया यार उसके अनुसार अपने को यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि बैटरी आवेशित करने के लिए किस प्रकार के दिष्ट धारा जनित्र का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा गया है साथियों, बैटरी आवेशन के लिए स्पेशल पर्पस के लिए, बैटरी आवेशन के लिए हम पार्श्व, जिसको बोलते हैं संट जनित्र, जिसको बोला जाता है साथियों, पैरेलल जनरेटर जिसको बोलते हैं, इसका आंसर आ जाएगा पार्श्व पथ जनित्र, मतलब इसको बोलते हैं समांतर, मतलब इसको बोलते हैं संट जनित्र का यूज़ किया जाता है। बहुत ही स्मार्ट लोंडे हो, आपको इसका आंसर पहले से पता रहा होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि प्राय कार्बन ब्रशों का प्रयोग होता है क्योंकि यह क्या होता है, इनका भैया इनका बहुत अच्छा एक गुण यह है कि यह सेमीकंडक्टर होता है, अधातु सेमीकंडक्टर होता है, तथा ये देखिए
ये एक ऐसा अपवाद है जो क्या करता है, जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसीलिए हम इसका वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारा कम्यूटेटर घूमता है और ये उससे टच करता है तो उसमें क्या होता है, ये गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है और जो अपनी जो करंट को कलेक्ट करके बाहर आउटपुट में हमको देता है। तो इसका यह आंसर आ जाएगा तथा यह खुद गिर जाता है और कंप्यूटर को ख़राब नहीं होने देता। यह भी इसका अच्छा गुण है। ठीक है, आगे देखिएगा कि क्या बोलना चाहिए साथियों, जो 222 है, हाँ इसका आंसर यही आ रहा है अभी, तो जो 222 वाला जो आंसर है ना, कहाँ गया, 222 यही है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, यदि ट्रांसफार्मर में के प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है और सेकेंडरी को निम्न दाब ली जाती है तो उसका आंसर तो स्टेप डाउन ही आएगा ना, क्योंकि निम्न दाब ले रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यदि धारा वामावर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी। तो क्या होगी साथियों, बताइए ज़रा मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है 224 में, आप बताइए साथी हो, तो 224 में आ रहा है दक्षिण ध्रुव की ओर होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, नियम प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण, जो जिस कारण पैदा होती है उसी का विरोध करती है, उसको क्या बोलते हैं, लेंज का नियम बोलते हैं। आप सबको पता होगा इसका, लेंज का नियम के अनुसार क्या होना चाहिए साथियों, यह भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या होता है, ई बराबर क्या होता है साथियों, ई बराबर क्या हो गया, यह माइनस का जो सिम एन आता है, एन बराबर क्या होता है, डी फाई अपन के डी टी होता है। ठीक है, कहीं पर जगह यहाँ फाई की जगह आपको आई लिखा हुआ मिलेगा, तो वह भी क्या है, सही है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड फिर करंट ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यह भी सही है। ठीक है, तो ठीक है, इसका पता ही है आपको। अगर देखिएगा, किसी सतह की प्रदीप्त प्रकाश के स्रोत की सतह की दूरी के क्या होगा, तो भैया आपको पता है E बराबर क्या होता है, I अपान के D का स्क्वायर होता है ना। तो प्रदीप्ति देखिए क्या है, किसी सतह की प्रदीप्त प्रकाश के स्रोत की सतह की दूरी के क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये जो डी वाला है ये है ना, यही इसका आंसर है। तो ठीक है, इसका आंसर है वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, एक ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर बराबर किसके होता है, वह होता है एक लक्स के होता है। इसका आंसर क्या आ रहा है, एक लक्स के बराबर होता है। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य सीमा होती है तो वह होती है 3800 से 3600 के बीच होती है, एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। आगे देखिए साथियों, 229 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि एक प्रावस्था और उदासीन टर्मिनल के बीच में वोल्टेज को कहा जाता है, तो साथियों क्या कहा जाता है, 229 नंबर पे आएगा, प्रावस्था वोल्टेज कहा जाता है। आगे देखिए साथियों, बढ़ाने से कोरोना के प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है, किसके बढ़ाने से कोरोना के प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है साथियों, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर आ रहा है 230 में, चालकों के बीच की दूरी को देखिए, हाँ ये इसका आंसर आ रहा है सी नंबर का, ये कि किसके बढ़ाने से कोरोना के प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है, हमें कम करना साथियों, बढ़ाना नहीं है इसमें। तो इसका जो आंसर है, चालकों का अगर व्यास बढ़ाएंगे तो इसका जो आंसर है यह आ जाएगा। ठीक है, और दूरी बढ़ाएंगे तो भी अधिक हो जाएगा ना, वो तो नहीं आएगा, चालकों की लंबाई बढ़ाएंगे तो वो भी अधिक हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर है सी आंसर है, 230 में आ रहा है सी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में हज़ारों बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश और स्टड का प्रयोग हॉर्मिक के रूप में होता है, तो वो आता है दोस्तों अवशोषक के रूप में होता है, जो 231 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, उसका आंसर है अवशोषक के रूप में होता है। ठीक है, तो ये देखिए आगे क्वेश्चन साथियों, मैं बता दूँ इसमें 130 प्लस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संचित सेल कहलाता है, तो वह होता है सेकेंडरी सेल होता है, आप सबको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए साथियों, लेड एसिड बैटरी में सक्रिय तत्व कौन सा होता है, तो वह होता है दोस्तों स्पंजी लेड, इसको क्या बोलते हैं, पीबी। ठीक है, बाकी देखिए स्पंजी लेड यहाँ पे इसका यह आंसर आ रहा है। ठीक है, बाकी आपको यह भी पता होना चाहिए, सक्रिय मतलब ये होता है अपना नेगेटिव प्लेट होना चाहिए, तो नेगेटिव प्लेट क्या की होती है, अपनी पीबी की होती है स्पंजी लेड की, और पॉजिटिव प्लेट पूछता है तो वो क्या की होती है दोस्तों, PbO2 की होती है, मतलब लेड पर ऑक्साइड की होती है। ठीक है, तो साथियों यह इसका पता है आपको। ठीक है,
तथा इसका औसत वोल्टेज कितना होता है, जो कौन सा सेल बोल रहा साथियों, लेड एसिड बोल रहा है ना, ये देखिए लेड एसिड, इसका औसत वोल्टेज जो होता है 2.2 वोल्ट होता है, जब हुआ मतलब लोड उस पर लगाया नहीं गया होगा तब, ठीक है, उस कंडीशन पे। आगे देखिएगा, आगे देखिए इसका क्या बोलना चाहिए। हाँ, ये वाट घंटा मैंने बता दिया, वाट घंटा दक्षता हमेशा क्या होती है, एम्पियर घंटा से कम होती है, क्योंकि वो 72 से 80 होती है और एम्पियर घंटा 90 से 95 होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। एसी को किसके द्वारा आसानी से बढ़ाया घटाया जा सकता है, तो एसी को साथियों ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम वोल्टेज को बड़ा घटा सकते हैं। 236 में सी आ रहा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, 101 एचपी बराबर कितना होता है। अब एक एचपी बराबर यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही दिया है, 740 वाट ही होगा यार, बाकी सब तो ऑप्शन गलत ही दिए, ठीक है। आगे देखिए, तापमान बढ़ने से पदार्थ की डाईइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी, मतलब कि घटती, तापमान बढ़ने से उसकी डाईइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। ठीक है साथियों, 238 में क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हैं इसका आंसर सी आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, चल संपर्क वाले परिवर्तनशील प्रतिरोध को कहा जाता है, तो साथियों क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं धारा नियंत्रक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग व्यवहार में सभी तापमान पर स्थिर होता है, तो साथियों जर्मन सिल्वर, यूरेका, मैग्नीज, इन सबका प्रयोग करने पर यह क्या होता है, स्थिर होता है, क्योंकि इन सबका काय के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, प्रतिरोधक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, 241 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख पा रहे साथियों, ठीक है, कि क्या बोलना चाहिए, हाइड्रोजन परमाणु के साथ किसी परमाणु की संयोग करने की शक्ति क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि विद्युत अपघटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपको पता है विद्युत लेपन, धातु शोधन, विमुद्रण, उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा, जो 242 नंबर का क्वेश्चन है, डी इसका आंसर आ रहा है। आगे देखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे के पूरे करा दूंगा मैं, आप 130 प्लस क्वेश्चन है जिसमें आप देख पा रहे हैं, अभी हो जाएंगे, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए इसमें, ठीक है। आर्मेचर का कम्यूटेटर क्या करता है भैया, यह एक दिशीय धारा देने में सहायक होता है। आर्मेचर का कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर आप सबको पता होगा, जो डीसी जनरेटर में क्या कार्य करता है, एसी को डीसी करता है, और मोटर में क्या कार्य करता है साथियों, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, यह सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आर्मेचर का कम्यूटेटर क्या करता है, यह एक दिशीय धारा देने में, एक दिशीय धारा देने में सहायक होता है, एक द्विदिशीय धारा देने में सहायता करता है, यह इसका ऑप्शन है, यह इसका आंसर है, ठीक है। आर्मेचर का जो कम्यूटेटर है इसका, यह इसका आंसर आ रहा है, 243 में क्या आ रहा है, बी इसका ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। धारा देता है, पता है आपको, डायरेक्ट करंट देता है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, ये इसका ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है अपना, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आपको पता होगा, कोबाल्ट और इस्पात का करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है भैया, स्थायी चुंबक बनाना है, 244 में आ रहा है ये ऑप्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचुंबकीय होता है, देखिए अचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक पदार्थ होता है, तो देखिए लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है उठ के, फिल्टर का ये कि रावल सॉरी अपना इलेक्ट्रिकल का ये फैन पूछा जाता है, इसमें भी अपना टूल्स, अपना जो इक्विपमेंट वहाँ से वहाँ पे वायरिंग में आता है, ये जहाँ तक है ना, कि रावल प्लग टूल किस काम आता है, तो दोस्तों यह किस काम आता है, सीमेंट कंक्रीट की दीवारों में 6.8 या फिर 10 mm व्यास का 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा छिद्र बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, सोल्डरिंग आयरन से किस धातु का टाका लगाया जाता है, तो वो आता है दोस्तों क्या आता है, रागा का आता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि वायर गेज में तारों का क्या मापता है, वो व्यास को मापता है, डायमीटर को मापता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मानक वायर गेज की प्राइस 0 से 36 WG तक होती है, जो सबसे अधिक रेंज का होगा वो सबसे पतला होगा, मतलब उसका व्यास कम होगा, तथा जो 0 का 1 या 2 का ये सब क्या होगा, मोटे हो गए, मोटे का मतलब इनका डायमीटर क्या होगा, सबसे मोटा होगा, व्यास अधिक होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है अपना कि यदि किसी गतिशील कुंडली के अक्ष को फ्लक्स के समांतर रखा जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह जो अपना आ रहा है, 250 का शून्य होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है भैया, उसको समांतर में रख दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्स नहीं कटेगा, तो क्या होगा, फ्लक्स नहीं कटेगा, तो फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, तो क्या होगा, वह शून्य होगा। 250 में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। 90 डिग्री पे होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अधिकतम होता है, आपको पता होगा, मैंने इसका प्रैक्टिकल भी अच्छे से करवाया साथियों, पढ़िएगा उसको, बहुत मजा आएगा, मतलब अपना डीसी मशीन जब पढ़ाया उसमें बताया, ठीक है।
किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है तो उसको क्या बोलते हैं भैया। इन्होंने देखिए अभी विद्युत धारा की बात किया है तो उसमें क्या आएगा, चालकत्व ही आएगा ना। 251 में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और आपको जो मैग्नेटिक सर्किट में बात करेगा साथियों तो उसमें क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, उसका भी आंसर बताइए साथियों कमेंट में, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं तो फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, तो 252 साथियों उसमें आएगा रासायनिक प्रभाव, क्योंकि आपको पता है क्या बोलना है, विद्युत अपघटन प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। जो क्या होती है सेल क्या करता है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, जो क्या करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या किया, विद्युत अपघटन प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। 252 हो गया, 253 देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है, टाइम कम है, आगे देख पा रहे आप। हाँ बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि विद्युत भट्टी के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आप देखिए जैसे ऑप्शन दिए नाइक्रोम टंगस्टन कास्टन तांबा, नाइक्रोम सॉरी इसमें देखिए टंगस्टन तो आप सबको पता है बल्ब का फिलामेंट बनाने होता है, तो और तांबा क्या होता है वायरिंग में इसके आते हैं, ये दोनों तो नहीं आएंगे। अब बता रही भैया कास्टेंटन, अब नाइक्रोम आपको पता है हीटिंग एलिमेंट में जिसकी प्रेस और हीटर में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कास्टेंटन यह तो होता है यूरेका को बोलते हैं कास्टेंटन, इसका यूज़ क्या में किया जाता है प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, इसका आंसर था कैंथल, आपको पता होना चाहिए। तो कैंथल में जो मिश्रण होता है वो भी क्या होता है विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार में होता है, नाइक्रोम और निकल होता है। नाइक्रोम जैसे कि आपको पता होगा नाइक्रोम का नाइक्रोम बना होता है दोस्तों 80% निकिल, ठीक है। नाइक्रोम जब बना होता है 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम का बना होता है, 20% CR क्रोमियम का बना होता है। तो इसमें जो अभी ऑप्शन यहाँ पे जैसा दिया उसके हिसाब से जो इसका आंसर आ रहा है क्या आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा, नाइक्रोम आ जाएगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन आ नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, फेज बढ़ाने के समान आकार के सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट मशीन की रेटिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा 254 में आंसर आपका ये है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, हज़ारों बार पूछा गया है, आप सबको पता है इसका आंसर कि थ्री फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन क्या होता है भैया, 120 डिग्री का होता है। काय में भी है थ्री फेज में, फेज डिफरेंस फेज एंगल, ठीक है। 255 में आ जाएगा, कितना जगह बी आ रहा है, ठीक। आगे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एम के एस पद्धति में एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है साथियों, तो एम के एस में जब ऐसा पूछा जाता है तो हमें क्या होता है मेट्रिक लेना होता है, तो इसलिए इसका जो 256 का आंसर है साथियों वह क्या आ जाएगा 735.5 वाट इसका आंसर आ जाएगा 256 का। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है। अब भैया इन्होंने स्पेशली बोला है विद्युत धारा मापने के लिए, तो उसमें हम अमीटर का यूज़ करेंगे, बाकी मल्टीमीटर से भी अमीटर अमीटर मतलब जो मल्टीमीटर धारा रेजिस्टेंस है ओम वोल्ट सब मापा जाता है, आपको पता हो। बाकी इन्होंने क्या बोला स्पेशली पूछा है धारा मापने के लिए, तो अमीटर आ जाएगा, पता है आपको। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है आपके डेस्कटॉप पे, किसके संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अब साथियों वोल्ट मीटर अमीटर एम्पियर घंटा मीटर किलो प्रति मीटर, अब यहाँ ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा साथियों क्या आंसर लगा। बाकी जो PDF है इसने इसका जो आंसर किया हुआ है किलोवाट घंटा मीटर किया हुआ है, ठीक है। देखिएगा आप बताइएगा इसका आंसर फिर से, और बाकी ऑप्शन के अनुसार तो वहाँ कुछ और अलग ही आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए एम के एस प्रणाली में इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है, तो साथियों 259 नंबर पर आ रहा है इल्यूमिनेशन, इसका आ रहा है लग्स आ रहा है, ठीक है। इल्यूमिनेशन में लग सा रहा। आगे देखिएगा साथियों क्या बोलना चाह रहा है कि 100 वोल्ट DC सप्लाई से जुड़ी कॉइल द्वारा ली गई धारा AC सप्लाई से जुड़ी कॉइल की तुलना करेंगे तो क्या होगा, 260 में आ रहा है, एक अधिक होगा, ठीक है। आगे देखिए 8 ओम प्रतिरोध, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कॉइल का 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जुड़ा तो कॉइल का क्या निकलना में पावर फैक्टर, तो अपने को पता है जो AC सर्किट होता है साथ ही उसमें जो पावर फैक्टर cos phi बराबर क्या होता है R/Z होता है। अब हमें तो R तो दे दिया है, ये देखो 8, बाकी Z निकालना पड़ेगा, तो Z निकालने के लिए यहाँ पे Z तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों रूट क्या आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस के क्या आ जाएगा XL का स्क्वायर, तो ये R कितना साथ ही 8 दिया, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8×8=64 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 6 दिया हुआ XL बराबर 6, तो 6 कितना 36, इन दोनों को जोड़ देना 100 आ जाएगा, रूट निकालना 10 आएगा, ठीक है। तो देखिए कितना है अपना R/Z कितना आ जाएगा दोस्तों, R/Z बराबर कितना आ जाएगा 8/10 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.2 मतलब कितना इसका आंसर आ जाएगा साथियों, इसका cos phi आ जाएगा 0.8
आ जाएगा। कॉस फाई इसकी इकाई नहीं होती, आपको पता होगा। तो 261 में इसका आंसर आप देख पा रहे साथियों कितना आ रहा है, सी इसका आंसर आ रहा है, सी इस करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि विभक्त फेज मोटर में किसी विद्युत कोण पर चलती कुंडलिन शुरुआती कुंडलिन की तुलना में स्थापित की जाती है। 262 क्वेश्चन है साथियों, यह क्या होता है, इसका आता है 90 डिग्री पर स्थापित की जाती है। आगे देखिएगा कि यूनिवर्सल मोटर स्टार्टिंग में समय उच्च बल आघूर्ण वाला होता है, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सबको पता है, ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। उच्च जहाँ पे टेक्सन हो गया, रेलवेज हो गया, वहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, वहाँ पे हम यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करते हैं। एसी डीसी दोनों सप्लाई पर यह वर्क कर सकती है, इतनी इसकी एबिलिटी होती है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि तुल्यकालिक चाल और वास्तविक चाल के अंतर को हम स्लिप बोलते हैं, आप सबको पता होगा, उसको भी सरपरण बोलते हैं, मतलब इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, जो भी लिखा है सही लिखा है, इसका ऑप्शन है बी आ रहा है, जिसको हम स्लिप बोलते हैं। आगे देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन आ रहा है कि यदि वाई एफ अग्र पिच और वाई बी पश्च पिच हो तो औसत पिच व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 265 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आ रहा है ए, वाई एफ प्लस के 1/f इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्ती से ली गई आपूर्ति किस भाग, अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, नहीं मैग्नेटिक नहीं आएगा इसमें, रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग घूर्णन लिखा तो रोटेटिंग फील्ड प्रकार के प्रत्यावर्ती से ली गई आपूर्ति किस भाग से ली जाती है, स्टेटर से लेंगे, जो अल्टरनेटर होता है उसके स्टेटर से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है। 200 कितना है साथियों, 66 में इसका आंसर आ रहा है ए। आगे देखिएगा 267 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है कि दिष्ट धारा संट मोटर में आर्मेचर और क्षेत्र कुंडलिन जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए किसमें बोला, दिष्ट धारा संट मोटर में बोला है, अब संट मतलब होता है समांतर क्रम में, तो जुड़ा होगा मेरे भैया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समांतर क्रम ही तो आएगा। आगे देखिए 268 क्या बोलना चाह रहा, दो खंभों के बीच चालक का घोल किसके द्वारा, झोल आना चाहिए साथियों, झोल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो वह निर्धारित किया जाता है WL का स्क्वायर अपन के टी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 268 में आंसर आ रहा है साथियों, आप देख पा रहे हैं इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर साथियों गलती से गलत लग गया था, इसका आंसर आप देख पा रहे हैं इसमें ये आ रहा है, बी आ रहा है, WL का स्क्वायर अपन के क्या आ रहा है, 2T, इसका यह आंसर आ रहा है, जो 268 है उसका आंसर क्या है, बी है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक तापदीप्त लैंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह हीटिंग मतलब उष्मा के उष्मीय प्रभाव, धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अरे भैया लेड एसिड बैटरी हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, H2SO4 तनु गंधक का अम्ल को भर देंगे और साथ में डिस्टिल वाटर को भी डाल देंगे इसमें, तो 270 में आप देख पा रहे ये उसका ऑप्शन आ रहा है भैया। आकर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता कायम, बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करेगी, बैटरी की क्षमता एम्पियर हावर में व्यक्त की जाती है, लेकिन क्या बोल रहा है, बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो उसका आंसर है साथियों डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। 271 का ये आ रहा है, 272 में देखेंगे वायुमंडलीय संपीड़कों में किस प्रकार के सिग्नल भेज मोटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब वहाँ पर किस मोटर का प्रयोग करेंगे साथियों, बताइए जरा। 272 में इसका आंसर आ पा रहा, आप देख पा रहे हैं साथियों, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन हमने अच्छे से नहीं पढ़ पाया इसलिए मैं बताया, वायु संपीड़कों में किस प्रकार के सिंगल फेस मोटर का, वायु ये संपीड़कों, वायु ये साथियों ये जो अपना फ्रिज होते हैं ना, फ्रिज जो होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सी मोटर का यूज़ किया जाता है, तो 272 है उसका आंसर, आपको मैं आपको दिखाता हूँ साथियों क्या आ रहा है भैया 272 वाले, तो जो अपना संपीड़क मतलब कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा 273 नंबर, किसी थ्री फेज इंडक्शन प्रेरण, हाँ वही इंडक्शन को प्रेरण बोलते हैं, ठीक है, किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आरंभिक बल आघूर्ण जो होता है टॉर्क होता है किसके समानुपाती होता है, मेरे भैया बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो साथियों इसका आंसर है वोल्टेज, ओहो किधर जा रहे हो भैया, इधर रहिए, हाँ वोल्टेज आपूर्ति के वर्ग के समानुपाती, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपूर्ति के वर्ग के, यहाँ पे देखिए वर्ग के क्या बोलना चाहिए, वी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर के समानुपाती होता है, देखिए ठीक है। तो साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉर्क जो होता है आपूर्ति सप्लाई के वोल्टेज के समान वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है 273 का। आगे देखिएगा साथियों क्या बोलना चाह रहा है, यदि कोई परिवर्तित का इनपुट स्थिर है परंतु ऊर्जा बदल जाती है तो निम्न में से कौन सा अवयव नहीं बदलेगा, तो दोस्तों केवीए भी नहीं बदलेगी, किलोवाट भी नहीं बदलेंगे, शक्ति गुणक भी नहीं बदलेगा, मतलब
उपयुक्त में से कोई का कोई नहीं बदलेगा। 274 का आंसर आ रहा डी। तो साथियों बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी कि साथियों, क्योंकि आपके लिए सब कंटेंट पहले से हमें रेडी करना पड़ता है, मतलब कि रेडी का मतलब पहले उसकी स्टडी करना पड़ता है साथियों, उसी के बाद हम बता पाते हैं आपको। तो साथियों बताइएगा मुझे आज का जो सेशन था कैसा लगा, और आज आप सबको पता होगा कल परसों अपनी एग्ज़ाम 21-22 को आप सबको पता है, ठीक है साथियों। तो आप सबके लिए ये जो एग्ज़ाम है अपने ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश टीओ के, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ज़रूर एक बार आपने लगा ही दिया होगा, यहाँ तक पहुँचा होगा तो लगाया होगा। तो चलिए साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और प्लीज़ साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, वीडियो पर आप सब्सक्राइब कर देना पहली बार हो गया इस चैनल पर, तो क्योंकि साथियों हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके लिए, ठीक है। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।